नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा के छाता में शातिर अपराधी से मुठभेड़ में अभियुक्त के पैर में लगी गोली। खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा के थाना छाता पुलिस और स्वाट टीम की गोक्षी की घटनाओं में संलिप्त अंतर्राज्यीय शातिर अपराधी से हुई मुठभेड़ दौरान पुलिस मुठभेड़ अभियुक्त के पैर में लगी गोली, हुआ घायल। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के कुशल निर्देशन में गौकशी की घटनाओं को कारित करने वाले शातिर अंतर्राज्यीय अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी छाता के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक छाता मय स्वाट टीम द्वारा गौकशी की घटना को कारित करने वाले शातिर अंतर्राज्यीय अपराधी हनीफ पुत्र इस्माइल निवासी नई थाना बिछोर जिला नूह में बात हरियाणा उम्र 45 वर्ष रविवार को नगरिया से जलालपुर जाने वाले रोड से पुलिस मुठभेड़ के दौरान बाएं पैर में गोली लगने से घायल अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। मौके से अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, दो जिंदा कारतूस और जमीन पर पड़े दो खोखा कारतूस 315 बोर को बरामद किया गया। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजकर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई। गिरफ्तार अभियुक्त हनीफ थाना क्षेत्र में अपने अन्य दो साथियों के साथ गौकशी के लिए गौ वंश की चोरी करने के उद्देश्य से पिछले दो दिनों से रात्रि में घूम रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त हनीफ के दो साथी सेंट्रो कार से कोसी की तरफ भाग गए, जिन्हें तलाश किया जा रहा है। आइए जानते हैं क्षेत्राधिकारी गौरव त्रिपाठी ने क्या कहा। मथुरा संवाददाता ब्रजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। थाना छाता पुलिस और स्वाट टीम को दो तीन दिन से सूचना मिल रही थी कि छाता बरसाना रोड पर कुछ अज्ञात बदमाश घूम रहे हैं, वह चोरी लूट व गो तस्करी की फिराक में हैं। इस सूचना पर छाता पुलिस थाना छाता द्वारा चेकिंग आरंभ की गई थी। पुलिस को देखते ही बदमाशों द्वारा फायरिंग आरंभ की गई थी, जिसमें पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त घायल हुआ है। इसका नाम हनीफ पुत्र इस्माइल है। यह बिछोर जिले का बिछोर थाने का हरियाणा का रहने वाला है। इसके पास से एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। उसको उपचार हेतु अस्पताल में भेज दिया गया है। अन्य बदमाशों की तलाश की जा रही है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है।